हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एम स्टॉक में लॉग इन कैसे करना है और शेयर बाय कैसे करना है बताऊंगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, एम स्टॉक ऐप ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ऊपर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। अगर इससे पहले आपने पासवर्ड क्रिएट किया है तो अच्छी बात है, अगर क्रिएट नहीं किया है तो आपको ऊपर मोबाइल नंबर डालना है और राइट साइड को फॉरगेट या क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर मोबाइल नंबर डाला है और राइट साइड को क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक किया है। जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे एम स्टॉक का आईडी डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे एम स्टॉक का आईडी डालने के लिए ऑप्शन आ चुका है। और जैसे ही एम स्टॉक का आईडी डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है, मैंने यहाँ पे एम स्टॉक का आईडी टाइप किया है, जो भी आपका आईडी होगा तो वहाँ पे आईडी डालने के बाद सबमिट करना है। आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाता है 3 डिजिट का, आपको क्या करना है वो ओटीपी वहाँ पे इंटर करना है। और जैसे ही ओटीपी इंटर करेंगे सबमिट करना है। जैसे आप ओटीपी इंटर करके सबमिट करोगे वहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, 6 डिजिट से लेकर 8 डिजिट मतलब 12 डिजिट तक कोई भी कर सकते हैं। और उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखे और बाद में ऐट द रेट का साइन या कोई भी कैपिटल वगैरह इस चीज़ यहाँ पे लाए। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। दोनों पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट करना। जैसे कि मैंने अक्षय ऐट द रेट 123 किया है तो अक्षय का एक कैपिटल है ऐट द रेट 123, ऐसे आप कोई भी कर सकते हैं। बाद में आपको लॉग इन के ऊपर ऊपर मोबाइल नंबर और नीचे जो पासवर्ड क्रिएट कर रहा है वो वहाँ पे टाइप करना है फिर से, और फिर से वो लॉग इन करना है। पहले पासवर्ड क्रिएट किया है क्रिएट करना है और बाद में लॉग इन करना है। जैसे लॉग इन करेंगे ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर जाएगा, वहाँ पे इंटर ओटीपी करना है। और जैसे आप इंटर ओटीपी करेंगे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको 10 रुपये या 5 रुपये कोई भी फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले 10 रुपये फंड ऐड किया था तो यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ। जैसे एम स्टॉक का ऐप ओपन होता है स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड को 3 लाइन है, आपको क्या करना है लेफ्ट साइड को 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा और वहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है तो फंड ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अमाउंट ऐड के ऑप्शन में 5 रुपये या 10 रुपये लिख सकते हैं और यहाँ पे फोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पे फंड ऐड करके रखा है फोनपे के UPI के माध्यम से। और यहाँ पे आपको बैंक चेंज करना है तो ऐड बैंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाद में आपको शेयर बाय करना है तो नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच लिस्ट नाम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर ऐड स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। और जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं यहाँ पे विकास लाइव का स्टॉक है ये मैं ले रहा हूँ, ऐड स्टॉक के ऊपर क्लिक किया है, ऊपर सर्च किया है विकास लाइव। जैसे ही विकास लाइव आ जाएगा यहाँ पे बाय नाम के ऊपर क्लिक करना है, क्वांटिटी एक डालना है और बाय नाम एट द मार्केट के ऊपर लिखना है, बाय और कंफर्म बाय करना है। जैसे ही कंफर्म बाय हो जाता है ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको व्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है जो आपने शेयर किया है। आपको याद रखना है यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में ही लेना है शेयर, ऑर्डर के ऊपर एग्जीक्यूटेड ना आना चाहिए और लेफ्ट साइड को 3 लाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है। और इसका स्क्रीनशॉट निकल के आपको मुझे भेजना है, ऐसा स्क्रीनशॉट निकालना है आपको और वही स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। इसी तरह आप शेयर